सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण में आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंग। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बच्चों एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। मैं अपने माता पिता के साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान घूमने गई। यह राजस्थान में स्थित है। हमारे साथ मामा मामी और उनके लड़का लड़की भी थे। जैसे ही टिकट लेकर हम जीप से अंदर पहुंचे तो हमें नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। पास ही मोरनी बैठी थी। बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। ठीक है, इस पैराग्राफ में, इस पिक्चर में आपको क्या बताया गया है? इस पिक्चर में बताया गया है कि एक लड़की है जो बता रही है कि वो अपने माता पिता के साथ, किसके साथ? माता पिता के साथ सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, वहाँ घूमने गए। साथ में कौन गया है? मामा मामी, लड़का लड़की, मामा मामी के, है ना। फिर वहाँ पे वो क्या देखते हैं? मोर मोरनी और बंदर बंदरिया। ठीक है, तो माता पिता, ठीक है, लिंग माता पिता। तो माता क्या है? एक स्त्री के लिए है, उपयोग में लिया जाने वाला नाम है। पिता पुरुष, मामा मामी, लड़का लड़की, मोर मोरनी, बंदर बंदरिया। इसमें आप देखोगे कि कुछ जो शब्द हैं वो स्त्री समाज से जुड़े हुए हैं, कुछ हैं वो पुरुष समाज से जुड़े हुए हैं। जैसे संज्ञा शब्द, ठीक है, ऐसे ही लिंग किसे कहते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि यह वस्तु स्त्रीलिंग है या पुरुष जाति से है या स्त्री जाति से है, या तो ये स्त्री में आएगी या पुरुष में आएगी। अगर जिन किसी शब्दों से हमें पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग दो तरह के होते हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग। कौन कौन से हैं? पुलिंग स्त्रीलिंग। ठीक है जी, पुलिंग जिस शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है उसे पुलिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के लिए उपयोग में लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं आदमी, वो आदमी है। आदमी क्या है? हम कोई जेंट्स होगा, कोई पुरुष होगा तो हम बोलेंगे आदमी। अगर और सुनार है, घोड़ा, जूता आदि, ये सब किस में आते हैं? पुरुष जाति में आते हैं। ठीक है, पुलिंग वस्तु है, पुलिंग प्राणी है। ठीक है, उसी तरह स्त्रीलिंग होता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत है ना, गाय, बिल्ली, सुराही, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्री जाति में इनको लिया जाता है। फिर वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज जो भी हमने ये पढ़ा है, स्त्रीलिंग और पुलिंग, ठीक है, क्या पढ़ा है आज हमने? लिंग पढ़े थे। ठीक है, लिंग के दो भेद हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि ये वस्तु, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी है वो स्त्री स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे औरत, आदमी, हमने पढ़ा था आगे पैराग्राफ में। माता पिता, तो माता है वो स्त्रीलिंग है, पिता है वो पुलिंग है, पुरुष लिंग है, पुरुष जाति है। ठीक है, मामा, तो मामा क्या है? पुरुष जाति के लिए हम उपयोग में ले रहे हैं। मामी स्त्रीलिंग, लड़का पुरुष, लड़की स्त्रीलिंग। ठीक है, बंदर, तो बंदर क्या है? पुरुष जाति में आएगा ना, तो वो पुलिंग होगा, और जो बंदरिया है वो स्त्रीलिंग में आएगी। उसी तरह से था मोर, तो मोर क्या है? पुलिंग, और मोरनी स्त्रीलिंग। ठीक है, तो बच्चों आप इसका घर पे भी इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। आपकी जो पंखुड़ियाँ पाठ्य पुस्तक है उसमें कई पाठ के पीछे जो आपको ग्रामर का जो अभ्यास कार्य दिया है, व्याकरण का जो अभ्यास कार्य दिया है, उसमें लिंग भी दिए गए हैं। तो आप इसी तरह से लिंग को परिवर्तित करके लिख सकते हैं। ठीक है,
लिंग के जो नाम है उन्हें परिवर्तित करके आप उसे लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका फिर से एक बार अभ्यास कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।